ओके, तो अपनी चिमनी चल के रेडी हो गई है। मेरे को ये खोलना पड़ गया। मैंने सोचा था कि उसे लपेटने से क्या होगा, वो गर्म नहीं होगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हीट हो गया और टेंट थोड़ा सा जल गया है। लेकिन मेरे को होल तो करना ही था उसी पॉइंट पे, तो सही पॉइंट पे जला है कि अपन घर जाके ना वहाँ पे एक होल करेंगे और उसके बाद इसमें ये एग्जॉस्ट पाइप का ना ऑप्शन बना देंगे। बाकी ये बिल्कुल गर्म है, मैं बिना ग्लव्स के बैठ पा रहा हूँ। खाने पीने के लिए भी बना लेते हैं और इसी के ऊपर ही बनाएंगे अपन। मैं इसको रख देता हूँ ताकि ये गर्म हो जाए और अपन कुक कर लें। अपने को और कोई गैस स्टोव की ज़रूरत ही नहीं है। आज हम लोग कुछ वेज में ही बनाएंगे क्योंकि दिन में हमने नॉनवेज खाया है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है अपने को कुछ हैवी की। तो सिंपल चॉपिंग करेंगे अभी। अंदर ना गर्माहट बन गई आराम से। अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे होटल के अंदर हम लोग हीटर चला के बैठते ना, सेम ऐसा ही फील हो रहा है। फुल गर्म गर्म हिसाब किताब। अभी ये मैं बाहर मेन वाला बंद कर दूंगा ना, तो उसके बाद ये और हीट हो जाएगा। दैट मीन्स कि आराम से पीतेगी। अब चाहे -30 डिग्री हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यार। चलो अब करते हैं चॉपिंग फटाफट। मैंने जैसा सोचा था, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा काम कर रही है ये चिमनी। ये मैंने खुद बनाई है, इसका डिज़ाइन वगैरह सब कुछ मैंने खुद बनाया है। इसको बनाने में ज़्यादा पैसे खर्च नहीं हुए, बट फिर भी एक दिमाग लगाने में, आने जाने में, उसमें बहुत मेहनत लग गई। एक बार देख लेते हैं, इसके लैक्स तो गर्म नहीं हो रहे ना? नहीं, इसके लैक्स बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है। बाकी मामला बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है, फुल गर्म हो गया है। अभी थोड़ी देर में मुझे लगता है कि मुझे ये कैप भी उतारनी पड़ जाएगी। यह हमारा पानी वाइल्ड हो गया है। तो ये हो गया हमारा पीने के लिए पानी रेडी। उसके अंदर और पानी डाल देता हूँ। बाकी आप टेम्परेचर ऐसे मालूम कर सकते हो। बॉटल के अंदर बर्फ जमने लग गई थी, वो तो अभी बुखारी जल गई है, तो इसीलिए ये मेल्ट होने लग गई। तो अपन इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम यूज़ करने के बाद ना बहुत सारा एक्सपीरियंस मिल रहा है कि इसको यूज़ कैसे करना होता है। अदरवाइज आपको तो पता ही है कि जब फर्स्ट टाइम चीज़ें यूज़ करते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आती है, तो वही अभी मेरे साथ भी हो रहा है। बट काफ़ी कुछ समझ आ गया है। नेक्स्ट टाइम जब सेकेंड टाइम इसे यूज़ करूँगा ना, तो मुझे पता है कि क्या क्या करना है, तो इसीलिए एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी था। बाकी अपनी वेजेस फ्राई हो रही है और इस टाइम पर ये इतना ही गर्म है ना, अगर हाथ लग गया तो समझ लो अपनी स्किन निकल जाएगी। बहुत हीटेड है इस टाइम पर ये। लो जी, अब ये धीरे धीरे कुक होता रहेगा, हम हाथ सीखते हैं।
मतलब कि यार लग ही नहीं रहा कि बाहर आज -22 डिग्री हो गया है। सच में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नॉर्मल बैठा हूँ, और ये आपको मुँह से भाप तो दिख ही रही होगी ना, इससे पता लग रहा होगा कि आज टेम्परेचर कितना होगा। स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, मैंने आग लगाई और गेट बंद कर दिया, इसको ऑक्सीजन नहीं मिली है, वो आग बुझ गई। तो ये मेरे साथ 2-3 बार हुआ, जब मैंने नोटिस किया ना तो इसका पहले मैंने गेट खोला, फिर थोड़ी देर आग जलने दी, देन जब वो अच्छे से हो गई फिर उसको मैंने थोड़ा सा गेट खुला छोड़ दिया। अब धुआं सारा उस तरफ ही जा रहा है क्योंकि यहाँ से ये ऑक्सीजन अंदर ले रहा है और पाइप के थ्रू इसका धुआं सारा बाहर जा रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, जब हम खुद यूज करते हैं तभी आउटपुट पता लगता है कि इसको यूज कैसे करना है। और अपनी लालटेन भी बहुत अच्छी तरीके से जल रही है आज, यानी कि डीजल अच्छे से काम कर रहा है, तो अगली बार इसको जलाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल एक्यूरेट फ्लेम निकल रहा है इसके अंदर। बाकी इधर का सेटअप बिल्कुल ओके, और ये देखो केतली में से क्या भाप निकल रही है यार, एकदम बढ़िया लग रही है। आज तो काम कर करके थक गए यार, अब बस अपन को ना ये पाइप निकालने का थोड़ा जुगाड़ बनाना पड़ेगा, बाकी बिल्कुल ओके की रिपोर्ट। अब तो हम लोग -30-40 आराम से कैंपिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इतनी ठंड में कैंपिंग करूँगा तो कभी टेंट में से पानी ऊपर से गिरने ना लग जाए, बस यही टेस्ट करना था, आज टेस्ट हो गया। और केटली में से पानी वाइल्ड हो रहा है, वो मैंने जानबूझ के रखा हुआ है, चाहता तो मैं उसे निकाल देता क्योंकि अंदर हीटर चल रहा है उसकी वजह से बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, तो मैंने वो पानी इसलिए बॉयल होने के लिए रखा है कि अंदर मॉइस्चर प्रॉपर बना रहे। ओहो बहुत गर्म है, इसको हटाना ही पड़ेगा वहां से। ये मैंने एक पोटैटो बचाया था, एक बड़ी लकड़ी और रख रहा हूँ मैं, इससे पहले भी रखी थी मैंने एक बड़ी लकड़ी। ओहो बहुत गर्म है, बाकी अपना मील पोटैटो मशरूम और उसके साथ में पीनट्स। अल्टीमेट अच्छा आ जाओ अंदर आ जाओ। हाँ हाँ शूज उतारने पड़ेंगे आपको। चलो मैं आपसे थोड़ी देर बातें कर लेता हूँ। बिल्कुल 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 मैं एक गांव इसी गांव का हूँ मैं भी। अच्छा अच्छा आप कहाँ, दिल्ली के? मैं दिल्ली से। अच्छा अच्छा हाँ अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी माइनस रहता ना टेम्परेचर यहाँ पे, अभी तो बड़ा अच्छा ही जा रहा है। सही हीट आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल गरम गरम। हाँ गरम गरम बिल्कुल। और बताए मतलब आप मजा, पूरा मजा ले रहे हैं मतलब? हाँ। आपका एक्चुअली कहना है दिल्ली में रहते हम लोग, शहर में रहते हैं बिल्कुल, तो ये चीज देखने के लिए मिलता नहीं है कभी। वैसे आप अकेले हैं यहाँ पे? हाँ मैं अकेला। अच्छा खाना को नहीं बना लेते आप? हाँ इसी के ऊपर ही बन गया।
बाकी आपको कैसा लगा हमारा? ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। मेरा तो बहुत मन था आने का, और भी आगे जाने का मन है। फर्स्ट टाइम आप आ रहे हैं? नहीं, मैं पहले स्कूटी से जांस्कर वगैरह कर चुका हूँ, लद्दाख वगैरह से आया तो यही रास्ता था। अच्छा, लेकिन ये एरिया में रुकने का मन करता था, पर फिर सोचते थे यार चलो आगे, अब अगली बार रुकेंगे, अगली बार रुकेंगे। फिर मैंने सोचा था इस बार ना जब बर्फ गिरेगी तभी रुकूंगा, क्योंकि दुनिया कहते हैं कि बर्फ गिरने का था यहाँ की अलग ही व्यू होता है। जैसे आपने कल देखो ना यहाँ पे, जैसे अरे सुबह 6 बजे उठा था मैं, जैसे फॉग फूक था यहाँ पे, जैसे बर्फ पड़ रही थी, मतलब काफी अच्छा। नहीं, मैं सुबह 6 बजे उठा था तो बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। जब सूरज की किरणें लगी, क्या चमक रहे थे पहाड़। अच्छा, कल आप वापस चले जाएंगे? आप देखते हो अभी, वैसे तो मैं सोच रहा हूँ 2 दिन का जो स्नोफॉल है ना ये भी देख के निकलू। इसमें ऐसा ना कि परसेंटेज कम है इसमें ना, 18-19 को थोड़ा खराब है ना यहाँ पे, तो उसमें 50 और 40 बता रहा, मतलब उतना खराब नहीं होगा मौसम यहाँ पे ना, इतना स्नोफॉल नहीं होगा यहाँ पे, मतलब कम होगा, मतलब अगर 190 होगा तो यहाँ पे स्नोफॉल हो सकते हैं यहाँ पे। मेरा तो पेट भर गया, जो मैंने आलू अंदर रखा था ना, मैंने सोचा तो उसे खाऊंगा, लेकिन अभी उसे भी खाने का मन नहीं है। सीरियसली गाइस, पेट फुल हो गया, मतलब वो मील मेरे लिए एनफ था। और अभी शाम के टाइम अपन ने चिकन ग्रिल खाया था, लगभग हाफ केजी के आसपास था। मैंने लगभग 70% खाया, 30% डॉगी को खिला दिया, तो अभी पेट बिल्कुल फुल है। और अब मन कर रहा है कि बस मैं लेट जाऊं और सो जाऊं। वीडियो अपलोड हो रहा है, वो धीरे धीरे करके सुबह तक अपलोड हो ही जाएगा। अब कुछ एक्टिविटी तो है नहीं, बाहर घूमने का कोई हिसाब किताब है नहीं, अब मैं भी आराम से चिल करता हूँ, और अगर कुछ होगा दिखाने को तो आपको दिखा दूंगा। बाकी तो कुछ है ही नहीं, अपन आग सीख रहे, एडिट कर रहे, और आगे बाहर वाला फ्लैट मैं अभी बंद कर ही लूँगा, टेंशन ही ख़त्म होगी बिल्कुल ही। फिर ये पूरा हीटर वाला रूम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कैंपिंग पसंद आ रही होगी, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लो। एडवेंचर तो चल रहा है, एडवेंचर अपनी लाइफ में चलता रहता है। हो सकता है ये लास्ट वीडियो, और हो सकता है मैं कल घर चला जाऊं। अगर मेरे को लगा कि अच्छी स्नोफॉल इधर होगी तो अपन रुकेंगे, बाकी कल सुबह उठते हैं, देन फिर मूव ऑन करते हैं। कल सुबह डिसाइड करते हैं कि करना क्या है, कि अभी और घूमना है या फिर कुछ और करना है। तो कुछ और करने के लिए कुछ और सीखना पड़ेगा, कुछ और बनाना पड़ेगा, तो वो देखते हैं। अभी मिलते हैं आप कब से, कल सुबह। गुड नाइट। अगर रात में कुछ हुआ तो मैं बताऊंगा, क्योंकि -22 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है, तो सोचो हालत कितनी ख़राब होगी या हो सकती है। जो भी होगा वो आपको या तो इस व्लॉग के एंड में दिख जाएगा, या फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में।